अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल द्वारा चंडीगढ़ के 44 सेक्टर स्थित सूत भवन में प्रदेश संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जायसवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में जहां नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, वहीं व्यापारी जगत के सबसे निम्न तबके रेहड़ी फड़ी वालों के समक्ष पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इस संगठनात्मक बैठक में विचार विमर्श किए गए तमाम मुद्दों एवं पहलुओं की जानकारी दी। सर, आज एक महत्वपूर्ण जो है वो संगठनात्मक जो बैठक है उसका आयोजन किया गया है, उद्देश्य क्या है इस बैठक का, किन जो बिंदुओं है उन पर जो चर्चा की जाएगी? की हितों के लिए अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल ने आज यहाँ एक गोष्ठी की है। उस गोष्ठी का विशेष कार्य है कि जितने भी यहाँ अपने व्यापारी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात को सरकार तक पहुँचाने का कार्य हम लोग करेंगे। मुख्य समस्याएं बात की जाए तो क्या समस्याएं? समस्याएं तो कुछ ना कुछ रहती है कि रेट के ऊपर सब्जी बेचता है, केले बेचता है, छोटी छोटी दुकानें हैं, ये काफ़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन जो रेडी वाले हैं वो भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनकी नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल व्यापारी हैं, वो भी व्यापारी हैं, निश्चित रूप से व्यापारी हैं। कई तरह की समस्याएं आती हैं और यही मैं समझता हूँ पर्याप्त शब्द हैं। कई तरह की समस्याएं हैं और उनमें किस किस तरह के व्यवधान हैं सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बस उनको वहाँ पहुँचाना, उनका निराकरण करना, ये ठीक है। सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम समय में आप सबने अखिल एकता उद्योग प्रबंधक संगठन के इस बैठक में आए हैं और आप इस देश के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। निश्चित रूप से अखिल एकता उद्योग प्रबंधक संगठन पूरे भारत के 22 राज्यों में काम कर रहा है। संगठनात्मक बैठक हम सब के दिनांक 25/7/24 से 1/8/2024 तक चल रही है। आज ग्रामीण राज्य की बैठक चल रही है जिसमें आज हम और डॉक्टर साहब स्वयं में मौजूद हैं। संगठन रेहड़ी पटरी कुलचे और दिहाड़ी वेंडिंग जोन जो छोटे व्यापारी होते हैं उन सब के लिए हम सब ने अभी व्यापक तौर पे महासंपर्क अभियान शुरू किया है। होता क्या है कि जो रेहड़ी पटरी गुमटी ठेला कुलचे वाले होते हैं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और उपेक्षित यही व्यापारी वर्ग होता है। दूसरा, चंडीगढ़ की कार्यकारिणी की घोषणा आज बैठक में कर दी जाएगी और पंजाब प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की भी कार्यकारिणी की जो लोग हैं उनके नामों की भी घोषणा आज शाम तक शायद हो जाएगी, लेकिन चंडीगढ़ की कार्यकारिणी की घोषणा हर हाल में आज होगी। सो मूल उद्देश्य तो आज ये है कि सबको एकत्रित करना और एक अच्छी टीम बनाकर जो मुद्दे हैं वो सरकार तक या जितने आला कमान अफसर बैठे हैं उन तक भेजे जाए। मेरा बतौर अधिवक्ता ये काम रहेगा, जो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी वो उसके लिए मैं अपने आप को तत्पर तैयार रखा हूँ अपनी टीम के साथ, और उसमें हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि हम उनका फ्री में जो है केस लड़के, यही हमारे आज मूल रूप से चर्चा होगा। थैंक यू।